अस्सलाम वालेकुम। चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हमने आपके लिए बनाए हैं ये छोले। एकदम इजी करके बनाए हैं, वन पोर्ट बनाए हैं और वो भी अलग से गला के नहीं, यानी कि आपका टाइम बचे इसलिए इतने गले हुए और वो भी फटाफट से। तो इसकी रेसिपी देखें लास्ट तक। जो हमने होममेड मसाले के साथ बनाई है, कोई भी मसाला हमने इसमें मार्केट का यूज नहीं किया है, तो जरूर बनाएं हमारे तरीके से। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम हमारे पास ये छोले हैं, जिनको हमने पूरी रात के लिए भिगो के छोड़ दिया था। इसका पानी भी हटा दिया है, अब हम इसको साइड रख देते हैं क्योंकि आज हम बना रहे हैं वन पॉट छोले, अलग से नहीं उबालेंगे छोलों को। तो हम क्या करते हैं, एक मसाला बना लेते हैं समीनास किचन टिप्स, यानी कि हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर छोले मसाला एरिया, उसका लिंक, तो वहां जाके आप ये छोले मसाला बनाएं जो बहुत ही जायकेदार है। एक बार मसाला बनाएंगे तो हर बार यही बनाना पसंद करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी मसाला बनाने का मन नहीं होता है और बनाना बहुत जरूरी होता है, तो हम ये करते हैं। तो हमने ये छोटा सा ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर हमने लिया है 2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हमने ये काला जीरा लिया है, 1/4 टीस्पून लिया है हींग, इसको इसमें डाल देते हैं। और इसमें डालते हैं अनारदाना, 2 टीस्पून डाल देते हैं। और इसमें डालते हैं कसूरी मेथी, 1 टीस्पून डाल देते हैं। और इसको दरदरा से पीस के लाते, ये देखें कितना बढ़िया कलर आया है, काले जीरे से आया है ये कलर। काला जीरा जरूर से डालें आप। गरम मसाला, तो बस इस मसाले से फटाफट कोई भी मसाला तैयार करना होता है, तो वो हमने डाल दिया है। इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला। और अब इसमें डालते हैं हम 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर आएगा बहुत ही अच्छा। और बस इसको मिक्स करते हैं, ये देखें। लेकिन मैं इसको ग्राइंडर में ही मिक्स कर देती हूँ। ये मिक्स होके मसाला तैयार है, ये कसूरी मेथी। और आप देखेंगे कि ये हमारा छोला मसाला बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम रख देते हैं साइड। 1/4 कप ऑयल लिया है, फुल फ्लेम पर हमने इसको गर्म कर लिया है, 2 तेज पत्ता है, 1/4 टीस्पून जीरा है और 1 दालचीनी का पीस है, हम ये डाल देते हैं। 1 बड़े साइज की प्याज है, जिसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना लिया है, हम ये डाल देते हैं। प्याज को भूनते हुए 4 मिनट हो गई हैं। 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं, इसको भी डाल के थोड़ा भूनते हैं। जिंजर गार्लिक अच्छे से भून गया है। 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं, ये डाल देते हैं। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा ही डालें, जो आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है। तो जो छोला मसाला भी तैयार किया है वो डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून डालेंगे, पूरा भर के डालेंगे हम ये इतना। 2 पिंच हल्दी पाउडर, इससे ज़्यादा आप भी नहीं डालें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डालते हैं। ऐसा भुना मसाला चाहिए कि जो हमने ऑयल डाला है वो आपको, ये देखें, पूरा निकल कर बाहर आ गया है। अब हम इसमें ये छोले डाल देते हैं, जिसमें हमने टमाटर पीसे हैं उसके अंदर ही थोड़ा पानी डाल के उसको भी ले लिया है। वन पॉट छोले बनाने में सिर्फ पानी का मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखें आप। ये देखें अभी इसमें छोले दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिखने चाहिए, यानी हम इसमें से पानी बाहर नहीं निकाल सकते। जो अलग से छोले उबालते हैं पानी ज़्यादा होता है तो निकाला जा सकता है, तो बस ये इतना पानी डाल देते हैं। ये देखें 600 ml पानी डाला है हमने इसमें, 2 टीस्पून नमक डालेंगे, एक ही छोटा सा टी बैग है, चाय की पत्ती ली है हमने और इसको वाइल के कपड़े के अंदर बांध दिया है और इसको अच्छे से हमने धो भी लिया है, इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है। तो इसको इसमें डाल देते हैं और 2 से 3 पिंच खाने का सोडा डालते हैं, ये आप ज़रूर डालें और इसको मिक्स भी ज़रूर करें। इसको पकाते हैं मीडियम फ्लेम पर 22 से 25 मिनट के लिए, इतने इसमें आ जाएंगी 7 से 8 सीटी। हमने मसाले में भी पिसी हुई खटाई यूज़ नहीं की है, जबकि इसमें जाएगी, क्योंकि पिसी हुई खटाई आप अभी डाल देंगे तो आपके छोले गलेंगे नहीं। 30 मिनट के बाद देखते हैं, इसको खोलते हैं क्या हाल है इसका, लाजवाब। ये बहुत ही लाजवाब दिख रहे हैं हमारे ये छोले, लेकिन अभी भी हमें ये देखना है कि ये अच्छे से गले हैं या नहीं गले हैं। ये बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, ये हमें ऐसे ही चाहिए थे। सबसे पहले क्या करना है, इसका टी बैग निकाल देना है। आपको इससे ज़्यादा खुश्क मिलते हैं तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा लिक्विड ही मिलते हैं तो आप ढकना हटाकर खुश्क कर सकते हैं।
पहले किसी ने मालूम किया था कि टी बैग क्यों डालते हैं, सिर्फ छोलों का कलर इस तरीके का डार्क आए इसलिए। ये जो पिंडी छोले होते हैं ये पीतल के बहुत बड़े बड़े पतीलों में बनाए जाते हैं और 10 से 12 या पूरी रात बनाए जाते हैं, तब जाके ऐसा कलर आता था। अभी हम एकदम से इंस्टेंट बनाते हैं तो हमें ऐसा कलर चाहिए, इसलिए इसमें टी बैग डालते हैं। और हाँ, इसमें चाय की पत्ती का जायका बिल्कुल नहीं आता है, ये सिर्फ कलर देती है। तो बस ये हमें तैयार मिले हैं, तो इसको हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं 1 टीस्पून पिसी हुई खटाई जरूर। अभी थोड़े छोले हमारे इस तरीके के हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़े से छोलों को मैश कर देते हैं और थोड़े से इसी तरह से रहने देते हैं। तो ये हमने थोड़े से छोले मैश कर लिए हैं, आप ये अलग से भी निकाल के कर सकते हैं। इस वक्त आप इनको चखे जरूर, तो जो भी कम हो आपके मुताबिक नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। बहुत ही लाजवाब छोले तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के छोले तैयार हुए हैं। और जब भी आप ये छोले बनाएं, थोड़े ज़्यादा बनाएं, एक टाइम आप इसको चावल के साथ खाएं और दूसरे टाइम आप इसको भटूरे या फिर पूरी के साथ खाएं। बहुत ही लाजवाब छोले तैयार हुए हैं, बहुत ही हसीन छोले दिख रहे हैं ये हमारे, और बहुत ही इजी करके हमने इनको बनाया है। और इनको यहाँ रख देते हैं चावल के साथ। इसको आप गार्निश कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन ये तो मुझे इतने अच्छे दिख रहे हैं कि लगता नहीं इसमें कोई और चीज़ डाली जाए। 2-4 हरी मिर्च डाल देते हैं और ये हमारी प्लेट बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये इजी छोले, वन पॉट छोले बनाए, ये हमारे तरीके से बनाए, जायका दिल्ली 6 के तरीके से जरूर बनाए। हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये इजी से छोले को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप जरूर बनाइए। अल्लाह हाफिज़।